आज मैं आपको एक भ्रांति, एक मिथ के बारे में बात करना चाहूंगा। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि साहब हमने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया था और उसके बाद चश्मे के आंख में लेंस भी लगाया गया है, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे फिर भी चश्मा लगाना पड़ रहा है। तो एक बहुत छोटी सी बात है, पहले तो ये जानिए कि एक जिस इंसान की आंख नहीं बनी हुई है, एक गॉड गिफ्टेड आंख में भी हमें चश्मे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारी आंख को फोकस करने में वो उस उतना कामयाबी से फोकस नहीं करता है। या उम्र के साथ, जैसे 40 साल के बाद जिसको हम लोग प्रेसबायोपिक स्टेज कहते हैं, जिसमें कि पढ़ने के लिए चश्मे का नंबर आ जाता है, उसमें आपका लेंस आपका फिक्स हो जाता है, उसकी पावर बदलने की क्षमता कम हो जाती है और उसकी वजह से हमें दूर और पास के लिए चश्मे अलग अलग लगाने पड़ते हैं। तो वैसे ही जब हम लोग आंख के अंदर मोतियाबिंद एक्चुअली होता क्या है, पहले तो ये जानने की जरूरत है। मोतियाबिंद में अगर इस मॉडल के थ्रू हम लोग समझते हैं, मोतियाबिंद में हमारे आंख में आपने देखा होगा जो काला शीशा है, इसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। ये बेसिकली 2/3 पावर आपके में कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद हमारी जो ब्राउन कलर का पुतली है, जो कि एक शटर की तरह काम करती है, जब हम तेज रोशनी में जाते हैं, धूप में जाते हैं, तो वो सिकुड़ जाती है, जिससे कम रोशनी जाए, चकाचौंध कम लगे, और हम लोग जब कम रोशनी में आते हैं, अंधेरे में जाते हैं, तो पुतली फैल जाती है, जिससे ज्यादा ज्यादा लाइट आंख के अंदर जाए और हम बेटर देख पाए। उसके पीछे एक छोटा एक क्लियर ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है, जो कि इनिशियली यंग एज में फ्लेक्सिबल होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। ये स्ट्रक्चर है जो पुतली के जस्ट पीछे की तरफ होता है और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी एज के साथ में कम होने लगती है, जिसको हम लोग प्रेसबायोपिक स्टेज कहते हैं। इसलिए देखा होगा आपने 40-45 के बाद अगर आपकी दूर की निगाह साफ है तो आपको पास के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। उम्र के साथ में जैसे जैसे एज बढ़ती है, बहुत सारी बीमारियां भी ऐसी होती हैं उनकी वजहों से भी आपके अंदर जो लेंस होता है वो धीमे धीमे सफेद होने लगता है। मेन कारण उम्र होता है। जब वो रास्ता, जब ओपेक जो लेंस है वो ट्रांसपेरेंट लेंस है वो ओपेक होगा, तो उसकी वजह से रोशनी जाने की जरूरत, जो रास्ते हैं वो बंद हो जाते हैं, यानी कहते हैं कि आंख की खिड़की बंद हो गई है। तो उसके उसको निकालने के अलावा और उसको रिप्लेस करने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं होता। कोई भी दवा, किसी तरह की भी मेडिसिन डालने से या खाने से उसको, उसकी जो ओपेसिफिकेशन है, जो लेंस सफेद हो गया, उसको हम दोबारा से ट्रांसपेरेंट नहीं बना सकते। तो कैटरेक्ट सर्जरी करके ही मोतियाबिंद का जो प्रोटीन, जो सफेद प्रोटीन है, उसको निकाल के हम लोग उसकी जगह एक क्लियर आर्टिफिशियल लेंस को लगा देते हैं। ये एक सिंपल सा मेथड है। और जो हम आंख के अंदर लेंस लगाते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक लेंस है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, इसकी हर जगह पावर अगर आप देखेंगे तो सेम होती है। और एक दूसरे तरह के जो लेंसेज होते हैं, जो मल्टीफोकल लेंसेज कहते हैं, जिसमें कि बहुत सारी रिंग्स होती हैं और उसमें कुछ एरिया नियर के लिए, कुछ इंटरमीडिएट वर्क के लिए और कुछ डिस्टेंस के लिए फोकस करने के लिए होता है। अगर हम मोनोफोकल लेंस को लगा रहे हैं तो इसका मतलब कि हम आपकी आंख में एक विजन को फोकस दे रहे हैं। कोशिश होती है कि हम आपकी दूर की निगाह को फोकस करें, क्योंकि दूर की निगाह पे आदमी की जरूरत ज्यादा इस्तेमाल करता है। आप अगर 16 घंटे जगे हैं तो मान के चलिए कि 15 घंटे तो आप दूर की निगाह पे होते हैं और नियर पास के लिए आपका इस्तेमाल कम होता है। तो जब हम सर्जरी करके हम बायोमेट्री करते हैं, पावर्स कैलकुलेट करते हैं, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है इसका पूरा, पावर लेंस को के पावर को जानने का, वो करने के बाद जो हम लोग जो मशीन हम लोग को बताती है कि हमें इतने नंबर का लेंस डालना चाहिए जिससे कि दूर में मिनिमम नंबर, तो हम लेंस उसी हिसाब से लेंस को सेलेक्ट करके आंख के अंदर सर्जरी करके वो लेंस इम्प्लांट कर देते हैं। उससे आपके दूर में चश्मे की जरूरत कम हो जाती है और पास के लिए आपको चश्मे की जरूरत पड़ती है। यही कारण है जिसमें कि अक्सर लोग कहते हैं कि साहब हमारी आंख में लेंस तो डाल दिया गया लेकिन हमें फिर भी चश्मा लगाना पड़ रहा है, तो उसकी वही वजह है। अगर आप मल्टीफोकल लेंस ऑप्शंस में जाते हैं, उसके लिए पहले हमें ये देखना पड़ता है कि आपकी आंख कंपैटिबल है कि नहीं, क्या पॉसिबल उसमें इम्प्लांट लगाने से, मल्टीफोकल लेंस लगाने से आपको कैसे रिजल्ट मिल रहे हैं, क्या आपकी वो पैरामीटर्स फुलफिल करती है कि नहीं करती है। अगर सारे पैरामीटर्स फुलफिल करती है तो हम लोग मल्टीफोकल ऑप्शन में जा सकते हैं। इस मल्टीफोकल, क्योंकि आपने जो बचपन में अपने यंग एज में मल्टीफोकलिटी एंजॉय की थी कि आपको दूर में भी चश्मे नहीं लगाना पड़ता था और पास में भी नहीं लगाना पड़ता था, वो गॉड गिफ्टेड सीमलेस मल्टीफोकलिटी थी। वो मल्टीफोकलिटी एक इंसान नहीं बना सकता। तो हमारे पास आज की डेट में जो भी लेंसेज अवेलेबल हैं वो एक कॉम्प्रोमाइज्ड वर्जन्स हैं। पहुंचने की कोशिश है वहां तक जहां तक ऊपर वाले ने हमारी आंख में मल्टीफोकलिटी डाली थी, लेकिन वो वहां तक हम लोग नहीं पहुंच सकते। तो कॉम्प्रोमाइज वे में अगर मल्टीफोकल लेंस अगर सेलेक्टेड आंख में डाला जाता है तो इट वर्क्स वेल, अच्छा काम करता है।
लेकिन वहां पे भी आपको ये नहीं कहते कि हम आपको चश्मे की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी, कभी कभी आपको हल्के फुल्के नंबर्स की जरूरत हो सकती है, लेकिन नॉर्मल वर्किंग के में आपको चश्मे की जरूरत खत्म हो जाती है। तो एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि मेरी आंख में लेंस लगा है और फिर भी मुझे कोई चश्मा लगाना पड़ रहा है, तो इसका कारण यही है क्योंकि अगर आपने मोनोफोकल लेंस लगाया है तो आपको दूर के लिए या नियर के लिए आपको अलग अलग चश्मे की जरूरत पड़ेगी, अगर आपने मल्टीफोकल लेंस लगाया है तो यूजली चश्मे की जरूरत नहीं होती है, और या कोई बहुत महीन काम करने के लिए या 100% के लिए हो सकता है वो 90% आपको काम करे, तो वो जो डेफिसिट है, जो गेन, जो गैप है, उसको फुलफिल करने के लिए हल्के से नंबर की जरूरत पड़ती है। बट नॉर्मली एक अच्छे मल्टीफोकल लेंसेज के साथ में अगर हमने सर्जरी की है तो जरूरत चश्मे की नहीं होती।